गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम ए एंड सीखेंगे, तो शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द पिक्चर टू अंडरस्टैंड। पिक्चर्स के द्वारा हम चीज़ों को समझेंगे, जैसे कि सामने पिक्चर में है एन इन पॉट, इसके आगे ए एन लगा हुआ है। आ ट्री, आ बॉय, एन अम्ब्रेला, आ केक, आ शूज, एन एलिफेंट, एन एंट, एन ओस्ट्रिच। तो ये सभी वर्ड्स है, पिक्चर्स भी बनी हुई है यहाँ पे। तो कुछ वर्ड्स के साथ ए लगा हुआ है और कुछ वर्ड्स के साथ ए एन एन लगा हुआ है। तो ये जानने के लिए कि किसमें ए लगना है किसमें एन लगना है, ये आज हम सीखेंगे। वर्ड्स सच एज आइसक्रीम, एलिफेंट, ऑस्ट्रिच एंड अम्ब्रेला बिगिन विद आई ई ओ ए एन यू। दीज आर वोवल्स। जो आइसक्रीम है, एलिफेंट है, ऑस्ट्रिच है एंड अम्ब्रेला, ये सभी वर्ड्स किससे शुरू हो रहे हैं? ए ई आई ओ यू। और हमने सबसे पहले यही सीखा कि ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं। तो जिस भी वर्ड्स के कोई भी वर्ड जब ए ई आई ओ यू से शुरू होगा, उन सब के आगे क्या आएगा? ए एन एन। We use an before the word that begin with vowel sound. Words such as boy, tree, shoes and cake begin with the sound of B, T, S and C. These are consonants. We use A with these words. तो जो कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? जो ए ई आई ओ यू, इन सभी लेटर्स को छोड़ के जो वर्ड्स बच जाते हैं, ठीक है, ए ई आई ओ यू वर्ड्स को छोड़कर जो भी वर्ड्स बच जाते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट। अब जो भी कोई भी वर्ड जब किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो उसके आगे क्या आएगा? ए। और जो वोवल से शुरू होएगा उसके आगे आएगा ए एन एन। टेक द राइट वन एंड क्रॉस आउट द रॉन्ग वन। जो सही है उसके सामने टिक लगाना है, जो गलत है उसके सामने क्रॉस करना है। आ बॉल, ये कौन सा नाइंट है? बी सही है। एन एग, ई है, ई हमारा वोवल है, उसके आगे क्या आना चाहिए? ए एन एन, ये भी ठीक है। एन बुक, अब बुक है किससे शुरू हो रहा है? बी से हो रहा है, और बी हमारा वोवल थोड़ी ना है। तो जिस भी वर्ड्स, कोई भी वर्ड जो वोवल से शुरू होगा ए ई आई ओ यू, उसके आगे ए एन एन आएगा, लेकिन यहाँ पे बी से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे एन नहीं आएगा, तो ये गलत है। आ कार, ये भी सही है। आ आइसक्रीम, ये गलत है, आई से शुरू हो रहा है तो एन आइसक्रीम होगा। आ गोट, ये भी सही है, कॉन्सोनेंट है हमारा। आगे हैं आ एलिफेंट, एलिफेंट ई से शुरू हो रहा है, ई हमारा वोवल है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ए एन एन, तो ये भी गलत है हमारा। एन ऑरेंज, ये भी सही है, ओ से शुरू हो रहा है, ओ हमारा वोवल है, उसके आगे ए एन एन आना चाहिए, तो सही है ये वाला। एन बनाना, ये गलत है क्योंकि बी से शुरू हो रहा है, तो ये इसके आगे क्या आना चाहिए? ए। क्या को समझ में आ गया अच्छे से? इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको रीड कीजिएगा और इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिएगा। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
थैंक यू।